जय हिंद जय राजधानी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजधानी साइंस दर एजुकेशन ग्रुप आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठी रसायन के बारे में ठीक है तो पृष्ठी रसायन सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली तीन भाग हैं एक भाग है जिसमें हमें अधिशोषण या एड्जॉर्बसन के बारे में पढ़ना है एक भाग है जिसमें कैटलिस या उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है और एक भाग हमारे पास है जो है कोलाइडल या कोलाइडी वेलियन के बारे में पढ़ना है तो वन बाई वन हम स्टडी करेंगे ठीक है हम स्टार्ट करें सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन तो इसके अंदर हमारे पास में तीन टॉपिक है जो पहला टॉपिक हम डिस्कशन कर ले रहे हैं वो है एडजॉर्बसन एड्जॉर्पन या जिसको बोला जाता है अधिशोषण एड्जॉर्ब या अधिशोषण इसके बारे में अधिशोषण तो एड्जॉर्बन तो 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 क्या है कि मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है या कोई पदार्थ है ऐसे ठीक है तो इस पदार्थ पर कोई दूसरा सब्सटेंस आके जुड़ रहा है या कनेक्ट हो रहा है और वो केवल इसी सतह पर आके जुड़ रहा है तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे एडजॉर्बसन यानी कुछ तरह से मान लीजिए ये सब्सटेंस था और दूसरा सब्सटेंस आके इसकी सतह पर जुड़ रहा है इस तरह से इस तरह से तो अब इसमें जिस जो सतह प्रोवाइड करा रहे हैं ना है ना ये सब्सटेंस जो है है ना ये सब्सटेंस इसको तो बोलते हैं एडजोरबेंट और जो सब्सटेंस के आके सतह पर जुड़ा है ये वाला जो क्रॉस की फॉर्म होता है ना इसको बोला जाता है एडजोरबेट एडजोरबेट यानी ये तो हुआ एक तरह से अधिशोष्य अधिसोष और जिसने सतह प्रोवाइड की है उसको बोलते हैं अधिशोषक एडजॉर्बेंट अधिशोषक ठीक है तो किसी भी सब्सटेंस पर आकर के दूसरे सब्सटेंस का सतह पर जुड़ना क्या कहलाएगा एडजॉर्बसन या अधिशोषण ठीक है यह ध्यान रखना केवल इसकी बाह्य सतह पर आकर जुड़ रहा है सब्सटेंस उसके आयतन में नहीं जा रहा है अगर ये आयतन में चला जाएगा तो वो अलग फिनोमिना हो जाएगा ठीक है तो किसी भी पदार्थ या सब्सटेंस की सतह पर आके दूसरे सब्सटेंस का जुड़ना क्या कहलाएगा अधिशोषण कहलाएगा ये पर एक तरह की सरफेस फिनोमिना है इसीलिए हम इसको सरफेस केमिस्ट्री में, के में स्टडी करते हैं तो जो भी आप तीनों पढ़ेंगे चाहे वो एब्जॉर्बन के बारे में हो चाहे वो कैटलिस्ट के बारे में हो या वो अपने पास किसके बारे में हो कोलाइडल के बारे में ये तीनों क्या सरफेस से रिलेटेड घटनाएं हैं रिलेटेड घटना है इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं इसको प्रश्न रसायन या सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो ये तो हमारे पास हुआ अधिशोषण अब देखिए अधिशोषण को समझने के लिए पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते अधिस एग्जाम्पल जैसे सिलिका जेल सिलिका जेल एड्जॉर्ब एच टू ओ मोलिक्यूल क्या करता है सरफेस पर एडजॉर्ब करता है ये आपके पास को डाई है पिगमेंट्स है उनके लिए भी सिलिका जेल याद और क्रोमेटोग्राफी में पड़ा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो सिलिका जेल यूज किया था तो वो भी इसी का एक पार्ट है ठीक है नेक्स्ट हम एक बार डिफरेंस देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिट्वीन एडजॉर्बसन एंड एब्जॉर्बसन यानी ये तो हुआ एक तरह से अवशोषण अवशोषण और ये हमारे पास हुआ अधिशोषण अधिशोषण अवशोषण और अधिशोषण डिफरेंस क्या ये देखना है ठीक है तो एक तो हमारे पास हुआ यहां पर एडजॉर्पसन एडजॉर्पन और एक हमारे पास हुआ एब्जॉर्पन एब्जॉर्पन अवशोषण तो ये तो है अवशोषण और ये हमारे पास में अधिशोषण अधिसोषण दोनों में डिफरेंस देख क्या है तो अगर हम बात करें एडजॉर्सन ऑफ सोशन में डिफरेंस की या अधिशोषण ऑफोशन डिफरेंस की तो देखो क्या डिफरेंस है सब्सटेंस डिफ्यूज ओनली एट सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट यानी पदार्थ केवल अधिशोषक की सतह पर जुड़ता है है ना पदार्थ केवल अधिशोषक एडजॉर्बेंट या अधिशोषक की सतह पर विसरित होता है सतह पर विसरित होता है ओनली सरफेस पर जबकि अगर यहां बात करें तो क्या होगा सब्सटेंस डिफ्यूज डिफ्यूज इन बल्क और वॉल्यूम यानी यहां पर एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के आयतन में विस्तृत होता है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा पदार्थ आयतन में विसरित तो होता है तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया कि यहां तो हमने कहा था कि ये हमारे पास में सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस पर जो दूसरा सब्सटेंस आकर जुड़ेगा अधिशोष्य जो एडजोरबेट है वो केवल और केवल कहां जुड़ रहा है सतह पर आकर जुड़ रहा है ऐसे इस तरह से है ना जबकि यहां ऐसा नहीं है यहाँ ये मान लिया सब्सटेंस है तो दूसरा सब्सटेंस इसके आयतन में डिफ्यूज होगा आयतन में से ऐसे इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है डिफ्यूज हो रहा है ऐसे आयतन के अंदर ठीक है तो ये तो अवशोषण ये क्या हुआ अधिशोषण नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस देखिए दूसरा नंबर टू सेकेंड डिफरेंस क्या देखिए अगर हम बात करें अधिशोषण की तो उसमें क्या होगा इनिशियल रेट रेट ऑफ एड्सॉर्ब इनिशियल रेट ऑफ एड्जॉर्बसन इज हाई बट डिक्रीज बट डिक्रीज आफ्टर समाइम यानी अधिशोषण की जो तो दर है वो पहले तो हाई रहेगी प्रारंभ में अधिशोषण तीव्रता से होता है तथा बाद में दर घट जाती है घट जाती है इस तरह से जबकि अगर यहां बात करें एब्जॉर्बसन अकर्स बाई यूनिफॉर्म रेट यानी ये समान दर से समान दर से होता है तो यहां पर तो पहले तो ये तीव्रता से होगा और धीरे धीरे उसके बाद में इसकी दर घटेगी ठीक है क्योंकि सरफेस पर आकर जुड़ रहा है अगर सरफेस धीरे धीरे कवर होती जाएगी तो आपको सरफेस कम उपलब्ध होगी पहले वाले मॉलिक्यूल आएंगे उनके लिए पूरी सरफेस अवेलेबल है बाद में मॉलिक्यूल आएंगे उनके लिए सरफेस कम बचेगी कम बचेगी तो देश की दर भी कम होगी जबकि वहां ऐसा नहीं है वहां का यूनिफॉर्म रेट से एक समान दर से चलता है ठीक है तो अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हमने अभी बताया था आपको सिलिका जेल एडजोर्ब एच टू ठीक है सिलिका जेल क्या करता है एडजोर्ब ना और गैस एडजॉर्ब गैस एड्जॉर्ब एट चारकोल सरफेस ये दोनों ही एग्जाम्पल एड्जॉर्ब के लिए है सिलिका जेल द्वारा एच का अधिशोषण एच टू का अधिशोषण जबकि दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास वो है गैस का चारकोल सतह पर चारकोल सतह पर अधिशोषण ये दोनों एग्जाम्पल जबकि अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो निर्जल या एनहाइड्रस सी ए सी एल टू द्वारा जल का क्या होगा अवशोषण यानी निर्जल CaCl2 सी एल टू द्वारा सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा ना एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्पन ऑफ एच टू ओ बाई एन सी एस सी एल टू तो यहां पर हो जाएगा एबजॉर्बसन ऑफ एच टू ओ बाई एन सी एस सी एल टू ये हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास हुआ एडजॉर्बसन इसमें डिफरेंस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि मान लो आपने कहा ये कोई सब्सटेंस है ठीक है और इस पर आप दूसरे सब्सटेंस को आके जोड़ रहे हो ठीक है और उसमें आपको क्या मिला कि दूसरा सब्सटेंस इसकी सतह पर आके जुड़ रहा है ऐसे तो हमने कहा अगर केवल सतह पर आके जुड़ता है सतही परिघटना होती है सरफेस फिनोमिना होता है तब तो नाम क्या होता है एड्जॉर्बसन और अगर वो इसके वॉल्यूम में जुड़ता है वॉल्यूम में डिफ्यूज होता है आयतन में डिफ्यूज होता है तो नाम क्या होता है उसका एब्जॉर्बसन होता है लेकिन ऐसे भी तो संभव है कि वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के आयतन में भी डिफ्यूज हो और सतह पर भी डिफ्यूज हो दोनों घटनाएं हो रही है तो अगर दोनों घटनाएं होगी तो उस केस में इसको नाम देंगे हम सॉर्पसन इसका नाम होगा सॉर्पसन जिसमें यानी सॉर्पसन जो प्रोसेस है एक तरह से शोषण सोर्पसन या शोषण बोलते हैं सॉर्पसन वो एक्चुअल में एब्जॉर्पसन प्लस लिख सकते हैं क्या एडजॉर्पसन ओके यानी उसमें अवशोषण और साथ ही साथ में इंक्लूड क्या है अधिशोषण दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है वो हमारे पास से क्या होगा एडजॉर्बन होगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हमने कहा जो एडजोर्पन है उसे सतह पर कंसेंट्रेशन जैसे एडजोर्बेट की एडजोर्बेट की सन्नता बढ़ती है यानी एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें एड्जॉर्बेंट या अधिशोषक की सतह पर एडजॉर्बेट की सन्नता बढ़ेगी क्योंकि एडजॉर्बेट आके जुड़ रहा है एड्जॉर्बेंट तो वही रहना है है ना तो अधिशोषण की परिघटना में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषुओं की सांद्रता बढ़ती है लेकिन इसके अपोजिट हो अगर यानी हम लिख सकते हैं एक प्रोसेस का नाम है जिसको विशोषण डी सॉर्पन विशोषण तो यहां एक चीज ध्यान रखना विशोषण शोषण का विपरीत नहीं है इट इज नॉट ए इनवर्ट और रिपोजिट रिएक्शन ऑफ सॉर्पसन इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ एड्सॉर्पसन एड्जॉर्प यह अधिशोषण का विपरीत है अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं डिसन बोल सकते हैं यानी डिसन क्या होगा इन डिसन प्रोसेस इन डिसन प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट डिक्रीज ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस डिक्रीज ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस यानी हम कह सकते हैं क्या कि विशोषण की प्रक्रिया में किसके विशोषण की किसमें प्रक्रिया में अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता क्या होगी बताइए तो अणुओं की सांद्रता, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सतह पर क्या होता है घटती है एड्जॉर्पन आके जुड़ेगा तो बढ़ेगी और विशोषण जो कि अधिशोष का विपरीत है तो वो हटेगा हटेगा तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगी तो ये हमारे पास में धारणा तो एक तो सॉर्पन और एक प्रोसेस ठीक है अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस अधिशोषण में ऐसा हो क्या रहा है मैकेनिज्म क्या है जिसके बेस पर अधिशोषण हम समझा सकते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्पन मैकेनिज्म ऑफ एडजोरस यानी अधिशोषण की क्रियाविधि क्या क्या हुआ अधिशोषण के प्रकरण में उसका डिटेल देख रहे हैं अधिशोषण की क्रियाविधिया मैके मैकेनिज्म ठीक है तो यह क्रियाविधिया मैकेनिज्म क्या है वो देखिए तो आप मानिए ये हमारे पास सरफेस है एडजोरबेंट की यानी अधिशोषक की यह अधिशोषक की सतह हमारे पास में अधिशोषक की और इस सतह पर जो गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए कोई कुछ भी मान लीजिए ना ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास होगा एक तरह से एडजॉर्बेट एडजोर्बेट जिसको आप नाम दिया है अधिसोष्य यह एडजोरबे है अधिसोष्य एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो अधिशोषक है ना उसकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करें हम फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था की तो एडजोरबेंट के अंदर जो आपको फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था मिलेगी वो आपको या तो सॉलिड मिलेगी और या आपको लिक्विड मिलेगी गैस कभी भी नहीं होगा ध्यान रखना कभी भी एड्जॉर्बेट सॉरी एडजोर्बेंट सॉलिड और लिक्विड होता है गैस कभी नहीं होता जबकि यहां अगर एड्जॉर्बेट की अगर बात करें फिजिकल स्टेट की भौतिक अवस्था की फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था तो ध्यान रखिएगा भौतिक अवस्था वो आपको लिक्विड मिल सकती है वो आपको गैस मिल सकती है लेकिन सॉलिड कभी नहीं होगा तो अगर आपसे पूछे एडजॉर्बेंट क्या नहीं होगा सॉलिड कभी नहीं होगा और एडजॉर्बेंट क्या नहीं होगा गैस कभी नहीं होगा ये चीज़ भी ध्यान रखनी है तो हम ये मान रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल एक बार आप मान लीजिए ठीक है ये जो मॉलिक्यूल है वो गैस के हैं और ये मान लीजिए जो अधिशोषक वो सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल आके इसके सतह पर आएंगे इस तरह से ऐसे तो चूंकि सतह पर आके जुड़ रहा है तो सतह पर आके जुड़ेगा तो यह भी हम जानते हैं कि अगर कोई सतह पर आके जुड़ता है तो कोई ना कोई क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है देखिए है ना ऐसे आके क्या बनेगा इसे बंद बनेगा अब बंद कौन सा होगा वॉन्डरवाल होगा सह होगा ये बात की बात रही फिलहाल तो बात इतनी है कि यहां पर यह जुड़ रहा है और जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ आकर्षण या बंद की रिक्वायरमेंट तो यहां पर ये यह क्या बना रहा, पर, बना रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर है ना ये बना रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन तो आप तो हमें ये बताइए कि अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं बंद निर्माण करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा होता है एंडोथर्मिक एग्जोथर्मिक तो हमें पता है कि बंध निर्माण बॉन्ड फॉर्मेशन या बंध निर्माण बंध निर्माण का प्रक्रम जब भी होगा केमिस्ट्री में तो हमेशा वो प्रक्रम कैसा होगा वो प्रक्रम हमेशा एग्जोथर्मिक टाइप का ही होगा उष्मा छेपी टाइप का होगा और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने काइनेटिक्स भी डिटेल स्टडी कर रखी है अब तो आपको मैंने बता रखा ऊषमा छेपी अभिक्रियाओं में जो डेल्टा एच या एनथेल्पी चेंज होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है नेगेटिव होता है यस होता है डेल्टा एच नेगेटिव या ऊष्मा छेपी में ये होता है ठीक है अब डेल्टा एच की ऋणात्मक है बॉन्ड फॉर्मेशन है एग्जोथर्मी है वो नेगेटिव में है ना तो अब एक चीज ध्यान रखिए इसमें कि ये तो चलो ठीक है एंथेल्पी चेंज आ गई उसमें छिपी आ गया तो अब ये तो हम कह ही नहीं रहे आपको कि बंद कौन सा बन रहा है आप चाहे वॉन्डरवाल बंद बनाओ चाहे सैसियों बनाओ हो, वांडरवाल होगा तो कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी अगर सैसियों जगह तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी लेकिन हाँ एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बंद निर्माण हमेशा उसमें छिपी होता है एक और चीज देखिए आपने कहा यहां गैस है तो गैस के अंदर मैं आपसे बोलता कि इस गैस के अणुओं की यहां पर एंट्रोपी के बारे में आप क्या बोलोगे गैस की एंट्रोपी ज्यादा है एंट्रोपी एंट्रोपी बताइए ज्यादा क्यों है क्योंकि अगर सॉलिड लिक्विड गैस में बात करें तो एंट्रोपीज रैंडम एंट्रोपी मेजरमेंट किसका है एंट्रोपी मापन किसका है अव्यवस्था का मोबिलिटी का गतिशीलता का तो गैस के अणु गतिशील है इसका मतलब एंट्रोपी उनकी ज्यादा है लेकिन जब गैस के अणु आके यहां पर जुड़ जाएगा बंद बना लेगा तो क्या इसकी गतिशीलता पहले जितनी रही नहीं रही अब ये पहले जितना नहीं घूम सकता क्योंकि अब ये बंद से बंधित हो गया तो इसकी एंट्रोपी पहले की तुलना में घट गई है तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि अधिशोषण के प्रक्रम में अणुओं की एंट्रोपी या अणुओं की एंट्रोपी घटती है तो दूसरा रिजल्ट भी हमें ध्यान रखना क्या ड्यूरिंग एडजॉर्पन ड्यूरिंग एडजॉर्पन एंट्रोपी ऑफ एडजोरबिट किसकी की अधिशोष की वो ही आके जुड़ रहा है इसको एडिसबिट है ना डिक्रीज तो क्या हो गई डिक्रीज तो एक पॉइंट ये भी ले सकते हम क्या अधिशोषण की प्रक्रिया में किसके अधिशोषण की ठीक है अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोषण की प्रक्रिया में एंट्रोपी या जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा एस का मान क्या होता है घटता है या डिक्रीज होता है और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव यानी डेल्टा एस किस में आ गया नेगेटिव तो दो चीजें क्लियर हो गई पहली अधिशोषण हमेशा ऊषमा छेपी प्रवृत्ति का होता है दूसरी अधिशोषण के प्रक्रम में अधिशोषणों की एंट्रोपी घटती है ना? अब हम बात करते हैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में या ऊष्मा गति के बारे में तो मैं आपको दो चीजें क्लियर कर चुका हूं यहां पर भी है ना तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डेल्टा जी से चेक करेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स की एक बेसिक इक्वेशन है या गिव्स एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं या फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो हमें ये क्लियर है कि ये जो डेल्टा एच है वो है नेगेटिव में और डेल्टा एस है वो भी है नेगेटिव में तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा तो कंडीशन तो ऐसे आ गई कि डेल्टा जी बराबर हमारे पास में ओवरऑल यानी डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा फैक्टर की बात करें तो ये फैक्टर तो हुआ नेगेटिव में और ओवरऑल ये फैक्टर मिला करके जब ऐड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा पॉजिटिव आ, आ जाएगा ये पूरा पूरा से यहां से लेकर ठीक है इंक्लूडिंग नेगेटिव सिंबल ये आ गया से तो अब तो दिक्कत हो गई क्योंकि एक नेगेटिव है उसमें आपको पॉजिटिव को टर्म को क्या करना है एड करना है ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करना है इनका ये आपस में क्या हो रहा है एड हो रहे हैं सम हो रहे हैं तो सम में तो ऑब्वियसली बात है अगर ये ज्यादा है तो पॉजिटिव और ये ज्यादा है तो नेगेटिव हो गया तो अब उस केस में रोल इंपॉर्टेंट करता है टेम्परेचर टेम्परेचर का टेम्परेचर तो देखो क्या होगा अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर या तापमान टेम्परेचर तापमान दो केस बना लेते हैं इसमें हम है ना अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप बोलते कम है टेम्परेचर क्या है कम है अगर टेम्परेचर कम है इसका मतलब भी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा तो टर्म कम हुई तो उस केस में आप बोलोगे डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा टी डेल्टा एच रहेगा और उस केस में डेल्टा जी का मान क्या रहेगा नेगेटिव में रहेगा और हम सब जानते हैं कि नेगेटिव होने का मतलब प्रोसेस कैसा स्पॉन्टेनियस या स्वतः परम होगा स्पॉन्टेनियस होगा जबकि अगर हम यहां पर यह बोल दें कि टेम्परेचर या तापमान क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तापमान बढ़ेगा तो हम इससे सीधा सा रिजल्ट यह बनाएंगे कि उस केस में डेल्टा एच जो है डेल्टा एच है ना वो क्या होगा लेस देन टी डेल्टा एच होगा यानी डेल्टा जी का मान किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा और पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ या हम बोल सकते हैं एक तरह से अस्वत प्रक्रम हुआ या हम बोल सकते हैं अधिशोषण नहीं हो रहा अगर अधिशोषण नहीं हो रहा तो इसका इसका अपोजिट हो रहा होगा यानी विशोषण और वैसे देखिए समझ आप समझोगे तो यह समझ भी आता देखिए कैसे अगर आप तापमान कम करोगे तो तापमान कम करोगे तो अधिशोषण आराम से होता है लेकिन अगर आप इसके अपोजिट सोचिए कि तापमान आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जब आप तापमान इंक्रीज करोगे तो अणु को क्या मिलेगी एनर्जी और जो आपने बंद बने वो बंद क्या हो जाएगा टूट जाएगा भाई तापमान ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या वो बंद टूट जाएगा और जब बंद टूटेगा तो अणु उसके सतह पर आकर जुड़ेंगे थोड़ी वो तो वापस हट जाएंगे तो इसका मतलब परक्रम क्या हो रहा है विशोषण अधिशोषण नहीं हो रहा तो कम ताप पर अधिशोषण अनुकूल है अधिशोषण की जो प्रक्रिया की प्रोसेस है उस की प्रक्रिया के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है टेम्परेचर लो होना चाहिए और आपने टेम्परेचर हाई किया तो इसका मतलब अधिशोषण होगा नहीं अब विशोषण की प्रक्रिया होगी क्योंकि जो बंद बने थे अधिशोष अधिशोषक के बीच में वो बंद धीरे धीरे टूट रहे हैं तो ये तो ये हमारे पास हुआ एड्जॉर्बन या अधिशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में नेक्स्ट देखिए हमारे पास में है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एड्जॉर्बसन टाइप्स ऑफ एड्जॉर्बसन या अधिशोषण के प्रकार अधिशोषण के प्रकार या टाइप्स तो देखिए अधिशोषण दो प्रकार का है एक तो होता है फिजिसप्सन या भौतिक अधिशोषण बोलते हैं भौतिक अधिशोषण या कई बार फिजिकल एड्सॉर्बेशन भी बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्पन और दूसरा है कैमिस्टॉपन या जिसको कई बार केमिकल एड्जॉर्बसन भी बोलते हैं केमिकल एडजॉर्बसन या रसायनिक अधिशोषण रसायनिक अधिशोषण ये दो प्रकार है ठीक है तो वापस इनको हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे ताकि कंपैरिजन में स्टडी करेंगे ताकि हम इजिलिय क्लियर हो जाए ठीक है तो हम दो कॉलम बना लेते हैं एक साइड जो कॉलम है हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्ब का है फिजिकल एड्सॉर्ब या भौतिक अधिशोषण का है भौतिक अधिशोषण जबकि राइट हैंड साइड में ना इस साइड हमने केमिकल एड्जॉर्ब लिया है केमिकल एड्जॉर्बसन यह हम कह सकते हैं एक तरह से रासायनिक अधिशोषण लिया है रसायनिक अधिशोषण केमिकल एड्जॉर्पन रसायनिक अधिशोषण ठीक है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्पन में डिफरेंस देखना है ठीक है मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा उस एक ही पॉइंट से सारी चीजें एक्सप्लेन होगी ठीक है आप जाने की फिजिकल एड्जॉर्पन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वांडरवाल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और केमिकल एड्जॉर्ब में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच एड्जॉर्बेट एडजोरबेंट अधिशोष अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंद केमिकल बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पहला पॉइंट हमारे पास डिफेंस का यही है यानी वांडरवॉल बॉन्ड फॉर्म वॉन्ड्रॉल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल ठीक है यानी अधिशोष्य और अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य क्या वॉन्डरवॉल बंद बनते हैं है ना वरवल बंध बनते हैं या बनता है वॉन्डरवॉल बंद बनता है किसमें अधिस अधिस क्या जबकि अगर यहां बात करें तो मैंने क्या कहा था डायरेक्टली लिख देते हम केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड हुआ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट तो यहां हम क्या लिखेंगे रसायनिक बंध या एक तरह से सहसंयोजक बंध रासायनिक बंद या सह संयोजक बंध का निर्माण होता है का निर्माण होता है जबकि वहां पर क्या था भौतिक बंद अब बाकी अंतर इसे समझाएंगे देखिए ना सेकंड पॉइंट बताइए मेरे को इन दोनों बंदों में से ज्यादा बंद कौन सा मजबूत है तो आप कहोगे सर रासायनिक बंद या केमिकल या बॉन्ड एक तरह का केमिकल बॉन्ड है ये फिजिकल बॉन्ड है तो यहां ऊर्जा कम लीजोगी वहां ऊर्जा ज्यादा लीजोगी तो इसका मतलब यह परम कैसा लिखे लेस एक्जोथर्मिक होगा लेस एग्जोथर्मिक यानी इस लिख सकता है कम ऊष्मा छेपी कम ऊषमा छेपी होगा लगभग डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी माइनस ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी किलोजूल में मिलेगी वैल्यू आपको ऐसे है ना माइनस ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी और अगर इधर बात करें तो कंपेरेटिवली बता दीजिए कंपेरेटिवली क्या बताएंगे आप कि यहां जो मिलेगा आपको वो मिलेगा मोर एग्जो थर्मिक मोर एग्जो थर्मिक यानी अधिक ऊष्मा छिपी अधिक उष्मा तो यहां जो एच मिलेगा वो आपको माइनस एटी टू माइनस टू फोर्टी के अराउंड ये मिलेगा तो यहां एच के मतलब क्या है अधिशोषण की उष्मा हीट ऑफ एड्जॉर्बन है ठीक है डेल्टा एच ये क्या है हीट ऑफ एडजॉर्बसन हीट ऑफ एड्जॉर्पन अधिशोषण की उष्मा इसी से हम तीसरा डिफरेंस भी क्लियर कर देंगे देखिए कैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कहा आपको एक्टिव से एनर्जी के बैरियर की जरूरत होगी तो आप बोलोगे सर यहां तो वनड्रवाल वन वांड बंद रहा है और वनड्रवाल चूंकि भौतिक बंद है एनर्जी कम है तो यहां एक्टिव से एनर्जी बैरियर की सेकेंड ऊर्जा अवरोध की आवश्यकता नहीं है नेग्लेक्ट है आप नेग्लेक्ट कर सकते हो वहां रासायनिक बंद बनता है और बंध निर्माण के लिए एक स्पेसिफिक था काइनेटिक्स में क्या कि बंध निर्माण या उत्पाद तभी बनता है जब एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का अवरुद्ध पार करते हैं जो बोलते हैं शक्न ऊर्जा को ठीक है तो इसका मतलब यहां हम लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्ट बैरियर इज लो है ना यानी सक्रिय ऊर्जा अवरोध सक्रियण ऊर्जा अवरोध कम पाया जाता है या नेग्लेक्ट कम पाया जाता है या एक तरह से बोल सकता नगणीय नेग्लेक्ट है ये नेग्लेजिबल नगला जीवन जबकि अगर यहां बात करें हम तो एक निश्चित है ना यानी डिफाइनाइट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड यानी एक निश्चित सक्रिय ऊर्जा ऊर्जा अवरोध, अवरोध की क्या होगी आवश्यकता होगी आवश्यकता होगी तो यहां तो एक डेफिनेट एक्टिव एनर्जी बैरियर की जरूरत है जबकि यहां पर इस तरह के एनर्जी बैरियर को या तो कम जरूरत है या हम बोल सकते हैं नेगेलेक्ट है नगणीय है फोर्थ डिफरेंस तो आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आप इन दोनों अधिशोषण में देखें तो कौन सा अधिशोषण विशिष्टीकृत होगा हाईली स्पेसिफिक कौन सा होगा भाई हाईली स्पेसिफिक तभी होता है जब निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का अवरोध चाहिए अगर कोई अवरोध ही नहीं है तो इसका मतलब स्पेसिफिसिटी अपना आप ही नहीं रहेगी सेकेंड उद क्या है कि सिलेक्टिव हो गया ना रिएक्टेंट की ये रिएक्टेंट है वो ही क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बनाएगा बाकी नहीं बनाएंगे तो स्पेसिफाई हो गया कि हाँ इतनी एनर्जी तो चाहिए चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ जबकि ये क्या नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक यानी यह अविशिष्टीकृत है, है अविशिष्ट कृत अविशिष्टीकृत जबकि यहां पर क्या हुआ ये होगा हाईली स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक यानी उच्च विशिष्टीकृत उच्च विशिष्टीकृत तो ये हाईली स्पेसिफिक है हाईलिस्ट पेशन क्यों नहीं है क्यों एक्टिवेशन बैरियर चाहिए एक्टिवेशन बैरियर नहीं चाहिए ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं फिफ्थ जो फिजिकल है इट इज मल्टीलेयर्ड इट इज मल्टीलेयर्ड यानी यह एक तरह से क्या है यह है बहुपरतीय होता है बहुपरतीय होता है जबकि अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा इट इज यूनि या एक परतीय होता है यानी ये तो मल्टीलेड है जबकि वो क्या है यूनिलेड एक परतीय है क्यों है भाई ये वॉड्रवाल बॉन्ड बना रहा है ना और अगर वांड्रवाल बॉन्ड की बात करें तो वॉन्ड्रॉल्ड तो सतह से बन जाता है यानी एक की सतह अवेलेबल हुई तो दूसरा जुड़ जाएगा दूसरी सतह अवेलेब तीसरा जुड़ जाएगा एक बार बॉन्ड बन गया अब वो बॉन्ड नहीं बन सकता वो बॉन्ड एडजोर्बमेंट के साथ ही बनेगा और अगर आपने एडजॉर्बमेंट की सतह पर आके रिएक्टेंट जुड़ गया तो अब दूसरा रिएक्टेंट जुड़ने के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो यहां तो एक ही लेर बनेगी या मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होगा एक इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें टेम्परेचर की वो भी साथ ही देख लेना तापमान तो यहां क्या मिलेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्बसन डिक्रीज कंटिन्यूस डिक्रीज कंटिन्यूस कंटिन्यूस है ना यानी तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण क्या है घटता है ऐसे जबकि अगर यहां देखें तो थोड़ा सा चेंज क्या है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्बसन यादिशोषण ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्बसन एड्सॉर्बसन क्या होगा फर्स्ट एड्जॉर्बन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना यानी तापमान बढ़ाओगे अगर आप तो तापमान वृद्धि करने पर क्या प्रारंभ में अधिशोषण बढ़ता है प्रारंभ में अधिशोषण बढ़ता है उसके पश्चात उच्च ताप पर उसके पश्चात उच्च ताप पर क्या होता है घटता है अब ऐसा इस क्यों देखिए उसे रीजन देखिए जब आप क्या एड्जॉर्प्शन करोगे यानी एड्जॉर्प्शन की बात करें तो पहले जब तापमान बढ़ाओगे तो हमने याद करो कारक पड़े थे किसमें केमिकल कैमिकल का की में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है क्यों बढ़ती है अणु को ऊर्जा मिलेगी अणु को ऊर्जा मिलेगी तो सक्रिय ऊर्जा को पार करेंगे तो पहले तो कुछ ताप तो चाहिए ना ताकि वो तापमान उस ऊर्जा अणुओं को मिले ताकि अणु क्या करे और ऊर्जा उर्दू तो पार करें हाँ तापमान लगातार बढ़ाते जाओगे तो बंद टूट भी जाएंगे लेकिन याद करो बंद निर्माण के लिए भी तो चाहिए पहले ऊर्जा तो जो पहले ऊर्जा चाहिए या शुरुआत में तापमान बढ़ाओगे वो अणुओं को कायंटिक एनर्जी बढ़ाएगी और अणु की का एनर्जी बढ़ेगी तो अभिक्रिया दर के मान में वृद्धि होगी या एड्जोर्सन भी बढ़ेगा लेकिन और तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा धीरे धीरे अधिशोषण घट जाएगा क्योंकि वो बंद बने वो टूटने लग जाएंगे तो यहां पहले तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक ना उसके बाद घटता है जबकि यहां पर क्या होगा कंटिन्यूअस घटेगा ठीक है तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हुए जो एडजोर्सन फिजिकल और केमिकल एड्जोर्सन के बीच में हमने डिफरेंस के फॉर्म में देखा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम अगली हेडिंग हमारे पास है फैक्टर के बारे में कौन कौन से फैक्टर जो इसका अफेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्पसन फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्पसन यानी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख रहे हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं है ना प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले क्या कारक प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से फैक्टर जो इसको एड्जॉर्ब को अफेक्ट कर रहे हैं तो देखिए पहला फैक्टर जो हमारे पास में है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एडजोरबेट या अधिशोष्य की प्रकृति अधिशोष्य की प्रकृति नेचर के बारे में अधिशोष्य प्रकृति कैसे प्रभावित करती है वही देखना देखिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेट तो देखो अधिशोष्य प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी कि अधिशोष्य जो है ना वो जाके अधिशोषक की सतह पर जुड़ेगा तो जिस अधिशोष अणुओं के अंदर आकर्षण बल ज्यादा है या जो ध्रुवता ज्यादा रखते हैं या सतही क्षेत्रफल ज्यादा रखते हैं उनमें वाण्र आकर्षण भी अधिक होगा और जिन्हें वाण्रवाला आकर्षण अधिक होगा इसका मतलब अधिशोषण भी अधिक होगा तो हम ये ले सकते ना बहुपरमाणविक polyatomic gas rate of adsorption is high compared to compared to monoatomic एंड डायटोमिक गैस यानी हमारे पास ये हमने वहाँ में भी पढ़ा था कि जिन गैस अणुओं के अंदर ध्रुवता अधिक है सतई क्षेत्र अधिक है उनकी विलयता अधिक है और सेम ही कंसेप्ट यहां पर भी है कि प्रैक्टिकली क्या पाया गया कि जो तो पॉलिओटोमिक गैस है जैसे सीओ टू हो गई एसओ टू हो गई मिथेन हो गया है ना इनका जो अधिशोषण होता है वो क्या है O2 हीलियम इनकी कंपेरिजन में ज्यादा होता है तो सतुल बढ़ेगा तो एड्सॉर्बन भी अधिक होगा ठीक है तो हम क्या सकते हैं बहुपरमाणविक बहुपरमाणविक गैसों का अधिशोषण बहुपरमाणविक गैसों का अधिशोषण एक परमाणविक एक तथा कौन सा द्विपरमाणविक एक परमाणु द्विपरमाणविक गैस की तुलना में गैस की तुलना में अधिक होता है अधिक होता तो बहुप्रमाणिक गैसों को जो है सामान्य एक परमाणु परमाणु गैस की तुलना में क्या होगा अधिक आपको मिलेगा ठीक है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके जैसे देखिए हमारे पास में हीलियम O2 CO2 आप इस साइड जाओगे तो क्या बोलोगे सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ेगा और चूंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम यह भी बोलेंगे वॉल अट्रैक्शन वॉल अट्रैक्शन वो भी बढ़ेगा और चूंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं एडजोर्पन वो भी बढ़ेगा जैसे जाओगे सत्य क्षेत्र बढ़ता है आकर्षण बढ़ता है वॉन्ड्रॉल आकर्षण बढ़ेगा तो एड्जॉर्पसन भी बढ़ेगा या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हमारे पास है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन आप इसे हालांकि सारे एक परमाणु गैसें ही हैं, ये सारी एक परमाणु है सारी, है। सारी मोनो गैस कैसे होती है मोनो ऑटोमिक गैसेज है एक परमाणु है ये सारी सारी एक परमाणु मोनो ऑटोमिक क्या एक प्रमाणु ठीक है लेकिन फिर भी आप ये जो एलिमेंट अरेंज है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप है आवर साणी में ग्रुप वाइज है और हमें पता है आवर साणी ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो हम इसमें भी ये कहेंगे कि इधर जाने पर क्या सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा सतही क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा यानी सरफेस एरिया वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और ये सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो इसका मतलब वापस वही आप क्या बोलोगे वंडरवाल आकर्षण बढ़ेगा वंडरवाल आकर्षण वॉन्डर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और अगर चूंकि वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है वॉन्डरवल इंक्रीज होगा अट्रैक्शन और चूंकि आपने कहा वॉन्ड्रल अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अधिशोषण अधिशोषण या एड्जॉर्पन वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इनके अंदर एड्जॉर्पन भी क्या हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ठीक है या हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं नियोन सी एच फोर थ्री आप इस साइड जा रहे हो तो हमें पता एनएस थ्री का जो डायपोल होता है म्यू वो नॉन जीरो होता है ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल है जबकि इसका डायपोल क्या होता है जीरो यानी ये कैसा हुआ नॉन पोलर अध्रुवीय हो गया और वैस तो वैसे भी क्या है मोनो एटोमिक है मोनो एटोमिक तो इधर जाने पर आप क्या बोलोगे एड्जॉर्बसन बढ़ रहा है या अधिशोषण अधिशोषण क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना तो इससे भी आप ऐसे समझा सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देख रहे हैं फैक्टर नंबर टू के बारे में नंबर टू वो है तापमान या टेम्परेचर तो मैंने अभी आपको बताया था वैसे तो कि तापमान बढ़ाने पर अगर भौतिक अधिशोषण है तो तापमान बढ़ाने पर, पर वीक बॉन्डा बढ़ाते टूट जाएंगे तो यहां पर अगर आप भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं देखिए हमने यहां पर लिया एक्स बाई एम और इधर लिया टेम्परेचर जहां एक्स एक्चुअल में है मास ऑफ एडजोरबेट मास ऑफ एडजोरबेट यानी अधिशोष्य कौन सा अधिशोष्य का द्रव्यमान है ये जबकि एम जो है वो है मास ऑफ एडजोरबेंट यानी अधिशोषक अधिशोषक का क्या द्रव्यमान वो एडजॉर्बेट का ये क्या है अधिशोषक का मास ऑफ एड्जोर्बेंट मास ऑफ एड्जॉर्बेट तो अगर एक्स बाई एम बढ़ता है एक्स बाई एम तो सीधी सी बात है वो एक्स बाई एम बढ़ने लिए तो बढ़ने से रहा क्योंकि ये तो उतना ही रहना है एड्जॉर्बेंट ये बढ़ेगा इसका मतलब प्रपोशन किसके होगा अधिशोषण के एडजॉर्बमेंट एक्स फ्रैक्शन एक्चुअल में डिनोट किसको कर रहा है वो डिनोट है को को या अधिशोषण इसको करोट कराइए तो आप इसमें ग्राफ देखते हो किसके लिए फिजिकल के लिए भौतिक अधिशोषण का बता रहा हूं मैं फिजिकल का किसके लिए फिजिकल एडजॉर्बसन के ग्राफ देख रहे हैं हम यहां पर भौतिक अधिशोषण का ग्राफ देख रहे हैं तो तापमान के साथ ये ग्राफ कंटिन्यू ऐसे आएगा से जैसे तापमान बढ़ा वैसे वैसे अधिशोषण धीरे धीरे कम होगा कंटिन्यूस क्योंकि बंद बंद है बंद है दुर्बल ताप बढ़ाते टूट जाएंगे लेकिन अगर केमिकल की बात करें हम तो उसमें ऐसा नहीं है यानी यहां तो लिया एब्जॉर्ब एक्स बाई एम और इधर लिया टेम्परेचर लिया है तापमान लिया है और बात करें किसकी कैमिसोर्पन या केमिकल एड्जॉर्ब या रासायनिक अधिशोषण तो रासायनिक अधिशोषण मैंने पहले भी कहा है कि तापमान बढ़ाओगे तो पहले जो तापमान है वो फेवरेबल है अनुकूल है क्यों क्योंकि हमें पता है काइंटिक्स पढ़ रखा है तापमान बढ़ाने पर अणुओं को ऊर्जा मिलती है और अणुओं को ऊर्जा मिलेगी तो अनुकी औसत ऊर्जा बढ़ेगी औसत ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु ऊर्जा अवरोध को ज्यादा पार करेंगे और अणु ऊर्जा अवरोध ज्यादा पार करेंगे तो इसका मतलब पहले शुरुआत में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी हालांकि तापमान आप कंटिन्यूस बढ़ाते चलोगे तापमान कंटिन्यूस राइज करोगे कंटिन्यूस इंक्रीज करोगे तो क्या हुआ कि जो बंद बना हुआ है वो बंद आखिर में टूट ही जाएगा भाई कितना तक बाद भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पहले चलो ठीक है बाउंड बनने में अनुकूल हो गया लेकिन बहुत ज्यादा उच्च तापमान होने का मतलब तो ये होगा ना कि बंद को क्या करेगा तोड़ेगा और जब बंद को तोड़ेगा तो अब एडजॉर्प्स नहीं होगा वापस वहां से सतह से एडजॉर्पेंट की सतह से हटने लग जाएंगे और जब बंद टूटेगा हटने लग जाएंगे तो इसका मतलब वो डिसन आ रहा है यानी अधिशोषण क्या हो रहा है कम हो रहा है याद से पॉइंट कहा था तापमान बढ़ाने पर चाहे अभिक्रिया दोनों में दर बढ़ती है तो यहां पर वो ही बात है। तो बढ़ी रहा है अणु हट जा रहे तो दर तो बढ़ रही है लेकिन डी की दर बढ़ी एबजॉर्पन की नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब अब हम कहेंगे जब केमिकल में ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पहले बढ़ेगा और उसके बाद ये वापस ग्राफ ऐसे आएगा क्यों आएगा क्योंकि शुरुआत के अंदर अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब अणुओं को एनर्जी मिल रही है और अणुओं को एनर्जी मिलेगी तो ऊर्जा अवरोध को वो ज्यादा पार करेंगे और जब ऊर्जा अवरोध का पार ज्यादा करेंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ेगी और जब अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी उसके बाद भी अगर तापमान लगातार आपने बढ़ाते रहे तो अब वही तापमान क्या करेगा बंधु को तोड़ना स्टार्ट करेगा ब्रेक करना स्टार्ट करेगा

पहले बढ़ाएगा क्योंकि पहले जो ऊर्जा है वो मिलेगी अणुओं को जिससे ऊर्जा अवरोध पार होगा और ऊर्जा अवरोध पार होगा तो इसका तो इसका मतलब पहले अधिशोषण बढ़ेगा और जैसे जैसे ऊर्जा अवरोध पार होने के बाद भी आपने तापमान बढ़ाते रहे तो वही तापमान बंधु को तोड़ना स्टार्ट करेगा तो अब अधिशोषण धीरे धीरे क्या होने लग गया कम होने लग गया तो ये हमने स्टडी किया दो कारक के बारे में पहला कारक जो देखा था अधिसोष की प्रकृति के बारे में है ना सतई क्षेत्रों का तो वहां अपने पास अधिशोषण भी बढ़ेगा दूसरा कारक हमने तापमान का देखा वेरी इंपॉर्टेंट है तापमान के साथ क्या होगा अधिशोषण भौतिक है तो कंटिन्यूस बढ़ेगा और रासायनिक है तो पहले बढ़ेगा उसके बाद में कम हो जाएगा बाकी कारक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय राजधानी एग्रीकल्चर में है शानदार और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोडिया जयपुर राजस्थान एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन फैसला आप करें राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की आठवीं रैंक और सामान्य वर्ग की साठवीं रैंक राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से आठ विद्यार्थी टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की तिरसठ परसेंट सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा जहां नब्बे प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं बारहवीं के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानी मचा रहे धूम बारहवीं के साथ ही 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर यश शर्मा ने तीन चौरानवे नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साठ लाख रूपए की स्कॉलरशिप कक्षा बारह के परिणाम में सत्तानवे प्रतिशत या अधिक एक विद्यार्थी प्रतिशत अधिक सात विद्यार्थी तिरानवे प्रतिशत ग्यारह विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत या अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सौ प्रतिशत लाने वाले दो विद्यार्थी नन्यानवे प्रतिशत या ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार्थी सत्तानवे परसेंट अधिक लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी नब्बे अधिक लाने वाले एक सौ तिरसठ विद्यार्थी दसवीं से बारहवीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की उनचालीस परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धि रिंकू यादव ने की सैतीस परसेंट की वृद्धि नरेश पाटीदार ने छत्तीस परसेंट की वृद्धि प्रकृति की गोद में दस बीघा में फैला विशाल कैंपस आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी आई सी आर जेट बी एच यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इलेवेन्द क्लास के ऑनलाइन 11वीं बारहवीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर जेट बी एच यू की क्लासेज उपलब्ध राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेई राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई सी आर बी एच यू राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक साथ ही विजिट करें डब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर नाइन कॉल 900100131 नाइन